Hello students, we will read 7th chapter of 6th class, Chandni. ये अबू खान की स्टोरी है, ठीक है, जो पेट्स रखता है, गोट्स को, ठीक है, रीड करते हैं हम. Once upon a time, there lived an old man in Almoda. Almoda में एक old man रहता था. He was popularly known as Abu Khan. वो अबू खान के नाम से जाना जाता था. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो क्या है, हमेशा अकेला रहता था. But सिवाय goats के उसके पास कुछ नहीं था. वो हमेशा pets की तरह उन्हें रखता था. He gave his goats funny names such as कलुआ, मूंगिया और गुजरी. वो फनी नेम्स देता था, अपने गोट्स के नाम रखता था इस प्रकार के. ही वुड टेक दैम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू दैम एज वन टॉक्स टू वन ओन चिल्ड्रन. वो क्या, उसे ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग होता है चराने के लिए, वो डे टाइम ले जाता था उनको और उनसे ऐसे बातें करता था जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों से बातें करता है. एट नाइट ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिज लिटिल हट. और रात को वो क्या है, अपने लिटिल हट में उन्हें वापस ले आता था. एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट. और उसके रस्सी बांध देता उनके नेक पे, गले में. पूर अबू खान वाज अ लिटिल अनलक्की इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. जो अबू खान था वो क्या था, अनलक्की था अपने गोट्स के मामले में. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज. तो जो नाइट को क्या करती थी, जो गोट्स थी वो क्या है, रस्सी को इतना खींचती थी, खींचती रहती थी जब तक कि वो टूट ना जाए. एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड. तो बाद में जो पहाड़ियाँ थी उनके पीछे वो गायब हो जाती थी, चली जाती थी. गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बींग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. जो हिली रीजन वाली जो पहाड़ी जो बकरियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें नफरत होती है टाइड मतलब होता है बांधे जाने पर नफरत होती है. वो ट्रीज से और पोल से बंधी नहीं रह सकती. दे लव देयर फ्रीडम. उन्हें अपनी फ्रीडम अच्छी लगती है, फ्री घूमना. अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. जो अबू खान की जो गोट्स थी वो अच्छी ब्रीड थी, अच्छी नस्ल थी हिल्स की. दे टू लव्ड देयर फ्रीडम. वो भी अपनी फ्रीडम को, स्वतंत्रता को प्यार करती थी, मतलब उन्हें फ्री रहना बहुत अच्छा लगता था. सो वैन एवर दे गोट द चांस, जब भी उन्हें चांस मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. तो वो भाग जाती थी, किससे, मरने के लिए तैयार होती थी. वॉल्फ, एक हिल्स में वॉल्फ रहती थी जो उन्हें खा जाती थी. वैन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर. जब अबू खान की एक गोट डिसअपियर होगी. अबू खान वाज वेरी सैड. तो अबू खान बहुत सैड हो गया, उदास हो गया. ही डिडेंट अंडरस्टैंड वाई एवन द ज्यूसीस्ट ग्रास एंड ग्रीन्स दैट ही गेव दैम. कि वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने क्या जूसीएस्ट ग्रास और ग्रेन्स भी दिया उनको. एंड ऑल द लव दैट एंड ऑल द लव दैट शॉर्ट ऑन दैम. तो और उनको प्यार भी किया. वुड नॉट स्टॉप दिस अनफॉर्चुनेट गोट्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ. कि मेरा प्यार और जो मेरा दिया हुआ घास क्या इन्हें स्टॉप नहीं कर सकता कि दुर्भाग्य से क्या है डायरेक्ट डेथ की ओर जाते हुए. आर दीज गोट्स मैड. क्या ये पागल हो चुकी हैं गोट्स. ही वंडर्ड. वो बहुत हैरान होता है इस बात पे. और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम. या फिर ये उनका फ्रीडम के लिए प्यार है. बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल हार्डशिप एवन डेथ. तो फ्रीडम का पर मतलब क्या है, स्ट्रगल करना, हार्डशिप और डेथ और मर जाना. अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री. तो ये रहस्य अबू खान से सॉल्व नहीं हुआ. वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम. जब एक दिन अबू खान को सभी गोट्स छोड़ गई. अबू खान सेड टू हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन. आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स. वो कहता है कि अब मैं अपने घर पर और गोट्स नहीं लाऊंगा. मतलब मैं थोड़ी ही साल जीऊँगा बट मैं बिना गोट्स के रहूँगा. हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली. तो जो ये पुअर ओल्ड मैन था ये टेरिबली भयानक रूप से क्या है, अकेला पड़ गया था. ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पैट्स. तो वो क्या है, कुछ नहीं कर सकता था अपने पैट्स के बिना. वेरी उसके पास वर्क नहीं था, मीन टू से दैट. वेरी सून ही बोट अ यंग गोट. तो जल्दी उसने क्या, एक यंग छोटी गोट, जो यंग मतलब एक
बड़ी नहीं मतलब ठीक ठीक छोटी थी गोट परचेज की। ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर। उसका मानना था कि उसने सोचा कि जो यंग गोट है वो उसके साथ ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे। तो वो जल्दी ही मुझसे क्या है प्यार करने लग जाएगी जैसे मैं उसको फूड दूंगा रोजाना। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। वो क्या है हिल्स पे जा नहीं जाएगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय। और वो हंसा इस जॉय से ये बात सोच के। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। जो उसकी न्यू गोट थी वो बहुत ही प्रिटी थी प्यारी थी। शी वॉज वाइट एज स्नो। और वो किसकी तरह बर्फ की तरह वाइट थी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हैट। और उसके हेड पे लिटिल छोटे से सिर पे दो छोटे से सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज। और उसकी जो आइज थी वो रेड थी एज शोन इन द पिक्चर। रेड तो नहीं दिखाई दे रही बट ठीक है। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट। उसका जो टेम्परमेंट था जो फ्रेंडली था बिहेवियर। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। तो जो वो थी क्या करती थी अबू खान की जो टेल्स कहानियाँ थी बहुत ही इंटरेस्ट से और अफेक्शन प्यार से सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी। और अबू खान उसे क्या बुलाता था चांदनी बुलाता था। विच मीन्स मूनलाइट। जिसका मतलब है मूनलाइट। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। तो वो चांदनी से बहुत प्यार करता था। उसे नरेट करता था सभी स्टोरीज बताता था अपने फ्रेंड्स की जो भी इस दुनिया में नहीं रहे थे जा चुके थे मर चुके थे। सेवरल ईयर्स पास बहुत साल बीत गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर। चांदनी उसके पास ही थी। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। तो अबू खान को विश्वास हो गया था कि जो चांदनी उसको छोड़ के नहीं जाएगी फ्रेश एयर के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन। बट अफसोस कि वो उसकी ये मिस्टेक थी। और नेक्स्ट पार्ट हम टुमारो रीड करेंगे। थैंक यू। आई वॉन्ट टू से दैट कभी कभी पता क्या होता है यूट्यूब पे जब वीडियो मैं अपलोड करती हूँ कभी कभी आवाज़ वैसे नहीं आती उस पर पता नहीं क्यों मिस हो जाती मेरी आवाज़। तो फिर मैं कभी कभी चेक करना भूल जाती हूँ दोबारा जब आपको सेंड करती हूँ। तो किसी भी वीडियो में आवाज़ ना आए तो मुझे बता दिया करो पर्सनली मैसेज करके सो दैट आई कैन अपलोड दिस वीडियो अगेन। ओके थैंक यू।